आज हमारे पास क्रॉन पिनियन पड़ा है। क्रॉन पिनियन किसके कारण ख़राब होता है, तो मिस्त्री जी भी हमारे को नॉलेज देंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। इतना सा पार्ट भाई 5000 रुपये का है। ऐसा नहीं होता कि कारों की तरह जैसे कई ड्राइवर होते हैं कि आराम से कुर्सी पर बैठ गए, ट्रक में भाई साथ में काम कराना पड़ता है, तभी नॉलेज होती है मिस्त्रियों की। ये देख सकते हैं ये जो झहरी है जो कट गया है ना, ये इसकी वजह से भुरकर वो बीच में गिर जाता है इसमें, तो ये डला है। ये कितने का हुआ सर? ये इसकी क्लीनिंग साफ सफाई पूरी हो रही है, देख सकते हैं क्रॉन पिनियन की। तो हमारे भाई मिस्त्री भाई महाराष्ट्र से हमारे को मिले थे, हमारा चैनल देखते हैं, बोलते काफ़ी नॉलेज मिलती है हमारे को भी। कई बार जो नए मिस्त्री हैं उनको काम का जैसे कुछ नॉलेज नहीं है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, पुणे हो गया, और भी राजस्थान हो गया, कुछ चीज़ें ऐसी जो है टेक्नोलॉजी के बारे भी आपको नॉलेज देते रहते हैं। और ड्राइवर भाइयों को फ़ायदा भी हो जाता है हमारी वीडियो से, क्योंकि वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि उनको जैसे भी 1,00,000 किलोमीटर भाई ने बोला है ऑयल बदल देना चाहिए। नाम है गुरदीत सिंह, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट लाइव। तो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं हम ट्रकों की। तो आज हमारे पास क्रॉन पिनियन पड़ा है। क्रॉन पिनियन किसके कारण ख़राब होता है, तो मिस्त्री जी भी हमारे को नॉलेज देंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। क्रॉन पिनियन का क्या महत्व होता है, क्यों ख़राब होता है, कितने साल में ख़राब हो जाता है, क्या क्या डलता है क्रॉन पिनियन में, किसकी गलती के कारण होता है। पहले तो इधर उस्ताद जी लगे गाड़ी का काम करने। उस्ताद जी नमस्कार जी, क्या हाल चाल है जी? और ठीक ठाक है। ये भी टेक्नोलॉजी, अगर टायर घूमता रहे, कई बार बंदे ब्रेक पे बैठा देते हैं, यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने रात डाल रखी है अपना, आराम से जो है गाड़ी के चक्के के नट टाइट करे। हब ग्रीस कराई उस्ताद जी? कितने किलोमीटर पे हब ग्रीस करा देते हैं आप इस गाड़ी की? हैं 30,000 किलोमीटर पे हब ग्रीस हो जाती है, और इंजन वगैरह तेल वगैरह 20,000 रुपये वो करा देते हैं। ये टाटा का 10 चक्का गाड़ी है भाई, देख सकते हैं आप, 10 चक्का गाड़ी जो है हमारे यूनियन में चलता है। तो ये पड़ा है इसका क्रॉन। ये क्रॉन में क्या दिक्कत आई है मिस्त्री जी बताएंगे हमारे को। ये मिस्त्री जी, मिस्त्री नमस्कार जी, क्या हाल चाल है जी? सर क्रॉन क्यों खुलता है, क्या मुख्य कारण होता है क्रॉन का जी? जब आवाज़ करने लगता है ना क्रॉन। हाँ जी, तब इसमें दिक्कत आती है, आवाज आती है ना, पिनियन दागी हो गया इसका। अच्छा जी, तो कितने साल वैसे निकाल तेल के भी कई बंदे थे, इंजन ऑयल इसका बदलाते, जो ऑयल होता क्या बोलते हैं उसको, ऑयल सील टाइम पे चेंज ना हो ना, तो पिनियन दागी हो जाता है जल्दी। अच्छा, पिनियन दागी हो जाता है, तो इसमें जब दागी हो जाता है आवाज आ जाती, तो क्या क्या पार्ट चेंज करने पड़ते हैं जी? बस पिनियन डालना पड़ता है नवा। अच्छा जी, और सेटिंग करनी पड़ती है। अच्छा, ये जो स्लीप ये भी नहीं लगाई हुई? नहीं नहीं, ये पुरानी है। अच्छा, क्या चीज डाली थोड़ा बताएं हमारे को जी? अच्छा, पिनियन डाला है ये वाला, ये बोलते इसको, ये खराब हो गया। इसमें क्या खराबी आई थी? ये देखो दाग पड़ गए ना। हाँ हाँ हाँ, ये कट गया जैसे ये। अच्छा, ये प्रॉब्लम आ गई, ये देख सकते हैं ये जो झहरी है जो कट गया है ना, ये इसकी वजह से भुरकर वो बीच में गिर जाता है इसमें, तो ये डला है। ये कितने का हुआ सर? ये 5,000। ये वाला इतना सा पार्ट, ये इतना सा पार्ट भाई 5,000 रुपये का है, क्योंकि पूरा लोड इससे ही खींचना है। और सर क्या क्या चीज़ें, और भी बैरंग बूरंग भी दागे हो जाते हैं कई बार इसमें? मगर बैरिंग ठीक है। अच्छा, ये बैरिंग है ना, कितने बैरिंग होते हैं इसके अंदर? इसके अंदर बैरिंग होते हैं जी 5। अच्छा, 5 बैरिंग होते हैं, मान लो एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये ऊपर लगा है, एक नीचे लगाया है ना, एक इसमें लगाया है। तो ये कई बार ब्लास्ट भी जाता, पूरा फट भी जाता है पिनियन, कई बार ऐसा भी होता है। हाँ, कोई दंदा अंदर फंस जाए तो फट जाएगा। अच्छा, टोटल कितना खर्चा जाता है इसको रिपेयर कराने में जी? अगर नया सेट डालना तो 25,000-30,000 रुपये लग जाते हैं। अच्छा, पुराने में अगर सेटिंग करके ये सब चीज़ डाल के तो कम में हो जाता है ना? फिर 8-10,000। 8-10,000 लग जाता है। तो मेन मकसद है भाई आपको इसका बताना है क्यों ख़राब होता है। ख़राब ज़्यादा भाई का कहना है, जैसे ये गाड़ी है करीब 10 मॉडल गाड़ी, 13 साल हो चुके हैं इस गाड़ी को, क्योंकि जब ढलान में हम उतरते हैं सबसे ज़्यादा लोड इसी के ऊपर पड़ता है, जब हम गेरों में गाड़ी उतारते हैं यही गाड़ी को कंट्रोल रखता है। अगर क्लीनिंग की बात करें, ज़बरदस्त भाई इसकी साफ सफाई हो रही है। देखो ऐसा नहीं होता कि कारों की तरह जैसे कई ड्राइवर होते हैं कि आराम से कुर्सी पे बैठ गए, ट्रक में भाई साथ में काम कराना पड़ता है, तभी नॉलेज होती है मिस्त्रियों की, क्योंकि तभी पता लगता है कि कितना दर्द होता है बंदे। क्यों उस्ताद जी?
तभी पता लगता है भाई कि कैसे काम कराते। कई बंदे भाग जाते हैं गाड़ी को ख़राब करके, कुछ ऐसे ड्राइवर जो समझदार ड्राइवर भाई जैसे, वो साथ में मिस्त्री के लग कर नॉलेज रहते हैं कि कितना इसके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। देखो क्लीनिंग का काम मिस्त्री जी कर रहे हैं, फिर ये सीले वगैरह पैक कर रहे हैं, लॉक लगा रहे हैं। अभी इसको तैयार होने में पूरा एक दिन लग जाता है। सुबह से लगे हैं, हैं? सुबह से लगे भाई, सुबह से लगे हुए भाई, शाम हो गई है। तो इसके अंदर अभी ग्रीस ग्रूस भी करेंगे। ग्रीस तो नहीं होता इसमें ना, सीएल ही डलेगा है, सीएल डलेगा। साथ में दर्शक भी यहाँ पे बैठ जाते हैं वीडियो वगैरह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। अभी पहले ग्रीस लगाएंगे उस्ताद जी। इससे सील वगैरह जो पैक हो जाती है, ऑयल सील लगाओगे है ना, कट बेरिंग लगाएंगे। बोल्ट मिला नहीं, अभी देखो एकदम से घूम रहा है। ये लग रही गोलियां, बंदूक की जैसे गोलियां लगाते हैं उस तरीके से यहाँ पे गोली एक एक करके भाई फिट कर रहा है। अगर उल्ट लग जाए तो काफी भाई महंगा पड़ जाता है ना, सीधी लगानी पड़ती है। सीधी क्या निशानी रहती है इसकी? सीधी ये सेम ही होती है गोली। अच्छा, जो सेट करनी पड़ती है, सेट करनी पड़ती है ना, ये फिट करनी पड़ती भाई। हो रही है पहले ग्रीस लगाते हैं, जेल ग्रीस, इसके साथ चिपक जाती फिर गोलियां। साफ सफाई का देख सकते हैं। हाँ भाई बोल रहा, क्या कह रहा भाई? व्यू मिले ना, पैसे आए। हाँ तो हमारे को देने पड़े। क्या बात है भाई, बोल रहा जो व्यू आएंगे उसके जो पैसे बनेगा हमारे को जरूर देना। मैं जो दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ कि मिस्त्री जी का कहना है इंजन ऑयल जो टाइम पे इसका अगर बदला जाए, मान लो जो सीएल इसके अंदर डलता है करीब 18 लीटर सीएल डलता है मिस्त्री जी, 12 लीटर कितने किलोमीटर में चेंज करा देना चाहिए वैसे? ज़्यादा 1 लाख किलोमीटर पे, यानी कि 12 लीटर सर कितने कीमत होगी उसकी? 3600 रुपये है ना, यानी कि 3500-3600 रुपये, यानी कि 3600 रुपये में जो है इंजन ऑयल आप बदला कर 1 लाख किलोमीटर पे आप अपना क्रोन पिनियन है वो उसको बचा सकते हैं। देखो दोस्तों, क्रोन पिनियन जो मेन पार्ट होता है गाड़ी का, ये गाड़ी में जो ज़रूरी होता है इसका जो काम कराना, तो कभी भी आपकी क्रोन पिनियन की आवाज़ आए तो ज़रूर मिस्त्री को चेक करा लें, 7 से 8 हज़ार रुपये का खर्चा जो आ जाता है। तो चंगा जी नमस्कार, और भी आपको जानकारी लेकर आते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भाई सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। इसी तरह हमारा फैमिली परिवार यूट्यूब जो चैनल है भाई, आप लोगों फैमिली की तरह हम आपको मिलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।